मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के बाद शाजापुर कलेक्टर को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम और भावना का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं। मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूं, इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और ख़ास कर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हरेक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को, अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा, और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन के बाद अब आईएएस अधिकारी रिजू बापना को अब शाजापुर का नया कलेक्टर बनाया गया है, तो वही किशोर कुमार कन्याल को अब मध्य प्रदेश शासन का उप सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव वीरा राणा ने आदेश जारी कर दिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या बोल रहे थे, समझ रखो, क्या करोगे?